वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। डू यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड? आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, होते हैं, छोटे बच्चे हैं, क्वेश्चंस माइंड में आते हैं बहुत सारे टाइम्स आते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? हम जाके पूछते हैं, तुरंत ही हमारे माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आता है, हम जाके हमारे दादा दादी को पूछते हैं, अपने पेरेंट्स को पूछते हैं, हम अपने बड़े भाई दीदी को पूछते हैं, कभी कभी हम टीचर से, कभी कभी फ्रेंड से भी पूछ लेते हैं। ये लेसन जो है वो तीन क्वेश्चन के बारे में, जो एक राजा के मन में था, और वो राजा वो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहा था। अब वो क्वेश्चंस क्या है, उनको आंसर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हम इस लेसन के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत साल पहले एक राजा था, उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि अगर मुझे इन तीन क्वेश्चन के जवाब सही सही मिल जाते हैं तो मैं कभी भी कोई भी काम में हार नहीं मानूंगा, आई विल नेवर फेल। वो कौन से थे तीन क्वेश्चन उनके माइंड में? व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग, अगर हमको किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसका सही समय कौन सा है? आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेवी लाइन। सेकेंड क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में है, विच पीपल शुड ही लिसन टू। अब हमेशा तो हर कोई एक सही जवाब नहीं दे पाता है, हमको कौन से इंसान की बात को सुनना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन वो था, वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। अब बहुत सारे काम होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, कि हमको सबसे पहले काम कौन सा चूज करना चाहिए। द किंग को फिर क्या हुआ? किंग के पास तो बहुत सारे मैसेंजर्स होते हैं, तो पूरे किंगडम में जहाँ पे वो राज करता था, सब जगह पे यहाँ वहाँ ये बात फैला दी कि जो भी मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको बहुत अच्छी मोटी रकम दी जाएगी, पैसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे, पर इसका सही जवाब चाहिए। बहुत सारे वाइज मैन, बहुत सारे बहुत ही होशियार पीपल आए उनको मिलने के लिए, पर हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है, और हर किसी के जवाब भी अलग होते हैं, हर कोई का सोच अलग होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, कौन सा क्वेश्चन था कि कौन सा सही वक्त है काम करने के लिए? सबसे पहले बोला कि एक टाइम टेबल बना दो, एक पर्सन ने बोला, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो सब काम सही टाइम पे होगा, और वही टाइम सही होगा जो टाइम तुमने टाइम टेबल में लिखा हुआ है, और उसको बराबर फॉलो करना। अब सबने बोला कि हमको कैसे पता चलेगा राइट टाइम कैसा है, हम टाइम टेबल कैसे बना, कोई अचानक से कोई दूसरा काम आ गया जो हमारे टाइम टेबल के अंदर नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, और वो काम ना ज़रूरी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको करना है कि नहीं करना है, और टाइम कौन सा सही है, कब करेंगे? कोई ऐसे बोलते हैं कि किंग को सारे फूलिश प्लेजर्स छोड़ देने चाहिए, ऐश और आराम की जो ज़िंदगी है या मौज मस्ती सारी छोड़ देनी चाहिए, राजा को सारी मौज मस्ती छोड़ देनी चाहिए, और उनको जो जब भी सही लगे तब वो काम करना चाहिए, कि उनको ये लगे कि ये काम करना पहला ज़रूरी है तो वो कर दिया जाए। दूसरों ने ये कहा कि काउंसिल होता है, काउंसिल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे वाइज पीपल होते हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं और उस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है, वो उनको मदद करेंगे, टाइम टू टाइम वो उनकी हेल्प करेंगे कि भाई ये टाइम तुम करो, उनकी सलाह लेंगे। वो बोल रहे थे एक पर्सन को डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि सही क्या हो सकता है, कोई भी डिसीजन एक जन नहीं ले सकता, सब मिलजुल के अगर हम फैसला करेंगे तो शायद वो फैसला सही होगा और ये बता पाएंगे कि सही टाइम पे कौन सा एक्शन करना चाहिए। पर फिर दूसरे ये बोलने लगे अगर कुछ चीज़ अर्जेंट हो गई तो हम सब मिलजुल के थोड़ी ना फैसला कर सकते हैं, वो डिसीजन तो एकदम ही जल्दी से लेना पड़ेगा, एकदम ही क्विकली लेना पड़ेगा। और फिर किसी ने बोला हमको क्या पता चले फ्यूचर में क्या होता है, एक जन ने ऐसे बोला अभी फ्यूचर तो कौन बता सकता है, एक जादूगर ही बता सकता है, तो चलो एक जादूगर के पास चले जाते हैं, मैजिशियन के पास आप किंग चले जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन था कि मोस्ट नेसेसरी पर्सन कौन था, तो बोला काउंसिलर्स, ये जो होशियार लोगों का जो पूरा टीम होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं। कुछ लोगों ने बोला पुजारी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई बोले डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं,
कोई बोलते हैं उसके सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको जंग में जिताते हैं, उनको वॉर में जिताते हैं। तो सब अलग अलग राय देने लगे सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए कि कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है। अभी थर्ड क्वेश्चन के लिए किसी ने बोला साइंस इंपॉर्टेंट है, दूसरे ने बोला फाइटिंग इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला पूजा करना, रिलीजन को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे क्वेश्चन के सारे आंसर सब अलग अलग दे रहे थे, पर किंग ये आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाइड ही नहीं था। बोला नहीं, अब मुझे नहीं लगता ये सारे आंसर सही है, ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, मुझे किसी को रिवॉर्ड नहीं देना, मैं किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दूंगा, मुझे इनाम नहीं देना। उन्होंने बोला कि मैं किसी हर्मिट के पास जाऊंगा। अब हर्मिट का मतलब क्या होता है? जो एक सिंपल सी ज़िंदगी जीता है और अपना काम करता है, दूसरे के मैटर में अकेला रहता है, किसी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको कोई भी शौक की आदत नहीं, अब बस अपने काम में इन्वॉल्व रहता है, एकदम से सिंपल सी ज़िंदगी रहती है। तो भला मैं उसके पास जाऊँगा और उनकी एडवाइस लूँगा, और लोग बोलते हैं कि बहुत ही वाइल्डली नो, उनका विजडम बहुत है, बहुत ही होशियार है और कोई भी चीज़ का सही जवाब देने में बहुत ही माहिर है। तो बोलते हैं चलो मैं अब इस हर्मिट के पास ही जाऊँगा और मैं तीनों सवाल के जवाब लूँगा। अब ये हर्मिट कहाँ पे रहता था? वो जंगलों में रहता था, वुड्स के पास रहता था, बहुत सारी झाड़ियाँ थी। उन्होंने सिर्फ यही देखा, सिर्फ सिंपल पीपल ही थे। एक हर्मिट का घर था, एक हट था छोटा सा। अब राजा किस में गए? घुड़सवारी पे गए, घोड़े पे गए, उसके बॉडीगार्ड के साथ गए, कि राजा के दुश्मन बहुत होते हैं, उन पर कभी कोई भी अटैक कर सकता है। पर उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया बॉडीगार्ड को और अकेले घुड़सवारी पर निकल गए थे। धीरे धीरे अकेले क्यों निकले? ताकि वो हर्मिट को ना पता चले कि वो एक राजा है, मे भी वो उनको जवाब दे ना दे। अब ये जो राजा है, धीरे धीरे वो हर्मिट के पास पहुंचता है और उन्होंने क्या देखा, वो हर्मिट जो है वो ग्राउंड को डिग कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, जिसके अंदर ज़मीन को सॉफ्ट करके सीड्स ग्रो करते हैं, डालने के बाद प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो क्या कर रहे थे, डिग कर रहे थे, ही वॉज डिगिंग। उन्होंने राजा को ग्रीट किया, हम लोग जैसे बोलते हैं वेलकम करते हैं वैसे, कैसे हो कैसे नहीं, वो राजा को ग्रीट किया और उन्होंने अपना काम शुरू रखा, उन्होंने अपना डिगिंग शुरू रखा। जो खोद रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे, उन्होंने वो काम कंटिन्यू किया। अब ये हर्मिट था, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही वीक था, और जब वो काम कर रहा था तो वो हाँफ रहा था, सोरों से हाँफ रहा था, वॉज ब्रीदिंग हैवीली। अब किंग जाता है उसके पास में, वो हर्मिट के पास में जाता है और वो बोलता है मैं आपके पास आया हूँ, आपकी प्रशंसा सुनी है मैंने कि आप बहुत ही होशियार हो और मुझे आपको तीन क्वेश्चंस पूछने हैं, थ्री क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पहला क्वेश्चन। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए कौन से काम सबसे ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, वो सिर्फ सुन रहा था, उन्होंने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, वो अपना काम कर रहे थे, करते रहे। अब राजा बोलते हैं, राजा ने क्या बोला, देखा वो बहुत ही हाँफ रहा था हर्मिट, तो राजा को बोला कि आप आराम करो, हर्मिट को बोला मुझे दे दो ये स्पेड, मुझे दे दो ये टूल, मुझे दे दो जिससे आप मिट्टी खोद रहे हैं, मैं खोदूंगा, मैं आपकी जगह पे मैं काम कर। हर्मिट ने थैंक्स बोला और वो स्पेड दे दिया राजा को और वो हर्मिट नीचे ज़मीन पर बैठ गया थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। अब राजा ने टू बेड्स का मतलब होता है जहाँ पे ग्रो करते हैं, ऐसे दो बेड्स को वहाँ पे गार्डन में अच्छे से उसने डिगिंग कर दिया। फिर वो रुके, वो रुक गए और उन्होंने बोला, वापस से वो तीन क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अब वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे, वो ये सोचने लगे ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं हर्मिट। पर वो हर्मिट ने जवाब नहीं दिया, वो उठ गए, उनके हाथ पे ऐसे स्ट्रेच करते हैं, जब हम लोग थक जाते हैं ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना अपने हाथ, दोनों हाथ स्ट्रेच कर देते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और फिर स्पेड ले लिया।
फिर राजा को बोलता है, नहीं अब तुम थोड़ा देर आराम करो। पर राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया क्योंकि उनको सवाल के जवाब जानने थे और उनको लगा अगर ये थक जाएंगे तो मुझे सवाल के जवाब दिए बिना ही थक जाएंगे तो नहीं देंगे शायद से जवाब। एक घंटा हो चुका, दूसरा घंटा चला गया, ऐसे धीरे धीरे सनसेट होने लगा। वो ट्रीज के पीछे पीछे चला गया। फिर राजा उठ गया और बोला, मैं यहाँ पे अपने सवाल के जवाब आपसे पूछने आया, आप मुझे कब से सवाल के जवाब दे ही नहीं रहे हो, अगर आप नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं घर चला जाऊँ। वो अपसेट हो जाता है राजा, वो ये सोचने लग जाता है शायद मुझे ये सवालों के जवाब ये नहीं देना चाहते हैं, निराश हो जाते हैं। फिर तभी ही क्या होता है, अचानक से कोई दौड़ता हुआ आता है। हियर कम समवन रनिंग सेट द हर्मिट। हर्मिट ने बोला, जो सिंपल सा पर्सन, अरे देखो अपनी तरफ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। वो राजा उल्टा खड़ा था तो उन्होंने टर्न किया, ही टर्नड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला इंसान देखता है। वो उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है, दोनों की तरफ टूवर्ड्स हिम, हिज हैंड वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके पेट को एकदम दबा दबा के आ रहा था, उसके पेट में से ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। जब वो राजा के पास आया वो बेहोश हो गया, वो ज़मीन पे गिर गया, फिर पैर में उसके घाव था। अब वो राजा और वो उन्होंने वो आदमी के कपड़े निकाले और देखा एक बहुत बड़ा ज़ख्म था उनके पेट में, बहुत बड़ा वूंड था। वो राजा ने वो वूंड को पहले साफ किया, पहले धोना पड़ता, खून कंटिन्यूस फ्लो हो रहा था, और उसको एक हैंडकरचीफ से कवर कर दिया और ये खून बंद ही ना हो क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख्म था और बहुत बड़ा ज़ख्म होता है इतना इजीली स्टॉप नहीं होता है। वापस से ड्रेसिंग किया वो वुंड को और धीरे धीरे उसको क्लीन किया, दवाई लगाई, वो खून स्टॉप हो गया। फिर वो आदमी को बेटर फील होने लगा और बोला कि मुझे कुछ ड्रिंक करना है, मुझे कुछ दो। राजा फ्रेश वाटर लेकर आता है और उनको देता है, ये गेव हिम फ्रेश वाटर। धीरे धीरे वो सन डूबने लग जाता है, रात हो जाती है और ठंडी हवा बहने लग जाती है। अब वो राजा और वो हर्मिट दोनों मिलकर क्या करते हैं, वो हेल्प से धीरे धीरे वो वुंडेड मैन को वो हट में वापस ले देते हैं और उसको लिटा देते, लेड हिम ऑन द बेड, उसको बेड पे लिटा देते हैं। वो आदमी ने आँखें बंद कर दिए क्योंकि उसे दर्द सहा नहीं जा रहा है, उसका ज़ख्म भी बहुत तेज़ है और शांति से पड़ा हुआ था। दैट किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, अभी राजा ने भी इतना काम नहीं किया था, वो भी बहुत थक जाते हैं, वो ज़मीन पे सो जाते हैं और पूरी रात ले सो जाते हैं, आराम करते हैं। जब वो उठते हैं तो उनको याद आता है कि वो कहाँ हैं, वो याद करने की कोशिश करते हैं। अचानक से अपने आप को इस घर में पाके वो एकदम से नींद में होते, थके हुए होते, जब उठते तो बोलते अरे मैं कहाँ हूँ और ये एक स्ट्रेंज पर्सन जो है ये है कौन जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अब वो बियर्डेड मैन भी जग जाता है, वो बियर्डेड मैन पूछता है, एकदम थका हुआ टायर्ड वॉइस में बोलता है। जब राजा को जगते हुए देखता है वो तो पहले से जग चुका था। मुझे माफ़ कर देना, उसने राजा से कहा, पहले पर क्यों, मतलब मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। वो बोलता है बियर्डेड आदमी, तुम मुझे नहीं जानते हो राजा, पर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, आई एम योर एनिमी, और मैंने आई हैव स्वोर रिवेंज, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला था और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी, यू सीज्ड द प्रॉपर्टी, तुमने हत्या ली थी। मुझे यही पता था, I knew that you had gone alone, कि हर्मिट के पास आप अकेले आए हो, ना आप कोई बॉडी गार्ड लेकर आए हो ना किसी सोल्जर को लेकर आए, तो मैंने ठान लीजिए कि मैं आपको ज़रूर किल कर दूंगा, मैं आपको मार डालूंगा जब आप घर लौटोगे तब। पर जैसे दिन गए आप वापस लौटे नहीं, डेज पास बट यू डिंट, सो उन्होंने सोचा कि मैं जहाँ पे छुपा हुआ हूँ, वो बियर्डेड मैन बोलता है जहाँ पे मैं हाइड कर रहा हूँ उसके बाहर आ जाऊँगा, लेकिन एक छुपा हुआ बॉडीगार्ड राजा का होता है, उसको पहचान लेता है और उसको घायल कर देता है, वूंडेड कर देता है। लेकिन मुश्किल से ये अपनी जान बचा के बियर्डेड मैन भागता, एस्केप कर देता है।
और यहाँ इनकी तरफ आते हैं। अगर आपने मेरे वूंड्स ड्रेस नहीं किया होता, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती, तो ये घावों से मैं मर जाता, मैं बच नहीं पाता। लेकिन अब मैंने जब आपको देखा कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी आई सर्व यू एक मोस्ट फेथफुल सर्वेंट के लिए, एक अच्छे नौकर की तरह मैं आपका काम करूँ, मेरे बच्चों को भी बोलूँगा कि वो आपका सेवा करें, प्लीज़ मुझे फर्गिव कर दो, प्लीज़ आई एम सॉरी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, उसको लगा कि देखो एक छोटा सा काम करके, एक नेकी का काम करके मैंने दुश्मन को कैसे ईजिली जीत लिया, मैंने लड़ाई भी नहीं की, इसमें ना कोई मरा है, और एकदम एफेक्शन से ये झगड़ा भी ख़त्म हो गया और उनको एनिमी को भी दोस्त बना दिया था। उसको माफ़ नहीं किया, सिर्फ वो बियर्डेड मैन को माफ़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास मैं सर्वेंट्स, मैं नौकरों को भी भेजूँगा, एक अच्छा डॉक्टर भी भेजूँगा, और तुम्हारे भाई की जो प्रॉपर्टी ले ली है वो भी मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। इससे पता चलता है वो राजा की आंखें खुल गई थी और वो सामने वाले की भी आंखें खुल गई थी कि प्यार मोहब्बत से सारी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है एक दूसरे की मदद करने से। अब ये वुंडेड मैन को छोड़कर वो राजा जाता है बाहर हरमिट को ढूंढने के लिए। उसने लगा अब कोई जवाब मुझे मिलने वाला नहीं है, ठीक है तो मैं पहले एक बार हरमिट को मिल लेता हूँ, और अगर वो मैं और एक बार ट्राई करता हूँ कि शायद वो मुझे इस सवालों के जवाब दे दे। अब क्या कर रहा था, पहले उन्होंने ग्राउंड डिग किया था, अब वो सीड्स डाल रहे थे। वो हरमिट जल्दी उठ के अपना काम शुरू कर देते थे, तो वो जहाँ पे भी वो लोग ने डिगिंग की थी वहाँ पे सीड्स डालने लगे थे। वो हरमिट के पास राजा जाते हैं इवेंट सब, और अब लास्ट टाइम पूछते प्लीज़ मुझे इन सवालों के जवाब आप मुझे दे दो। अब वो हरमिट बोलता है आपको तो ऑलरेडी आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। फिर बोलते हैं हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, अभी राजा को तो पता ही नहीं चला मुझे कैसे सवालों के जवाब मिल गए। डू यू नॉट सी, हरमिट बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी, यू वुडंट हैव पिटीड, आपको मुझे दया नहीं आती, मैं वीक था, तुमने येस्टरडे मेरे पे दया खाई और तुमने मुझे हेल्प किया, अगर तुमने मुझे हेल्प नहीं किया होता तो वो आदमी आके आपको बियर्डेड मैन अटैक कर लेता और वो आपकी जान भी जा सकती थी, मगर आपने मुझे मदद करनी, आप रुके, मैंने आपको जवाब नहीं दिए तो भी आप रुके और आपने मुझे मदद की थी, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम क्या था, टाइम कौन सा था, कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट था, जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे, जब तुम डिगिंग कर रहे थे, जब तुम खोद रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे, और तब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था, सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा था कि टाइम कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो वो टाइम जब वो डिगिंग कर रहा था वो टाइम इम्पोर्टेंट था, और पर्सन कौन इम्पोर्टेंट था, ये हर्मिट इम्पोर्टेंट था, और इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था कि वो अच्छा काम कर रहा था, गुड काम कर रहा था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू हिम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू केयर फॉर हिम, और सबसे अच्छी बात कौन सी थी कि तुमने उस टाइम पे उसकी मदद की, ये सही मौका था और सही टाइम था, उसके वूंड्स को तुमने ड्रेस किया और वो ज़िंदा बच गया। सो इसका मतलब ये था कि इम्पोर्टेंट मैन कौन था, वो इम्पोर्टेंट है, और तुम ये सोच रहे हो कि व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो प्रेजेंट में तुम्हारे साथ में होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमको पता नहीं है, और हम जिनको मदद करते हैं, जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, उसकी मदद हमको करनी चाहिए। और ये याद रखना, रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और टाइम कौन सा इम्पॉर्टेंट है, अभी, जो भी काम करना है अभी करना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, बाद में काम करने से कोई मतलब नहीं है, अगर अभी किसी को ज़रूरत है, अभी तुमको काम करने की ज़रूरत है तो अभी करो, काम के लिए वेट मत करना, बेस्ट टाइम इज़ नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर एट द पर्टिकुलर मोमेंट, तुम किसी पर्सन को ढूंढने मत जाओ, लेकिन फिलहाल तुम जिस पर्सन के साथ में, वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
क्योंकि हमको नहीं पता फ्यूचर में हम उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कभी कि दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि हमको हमारा पर्पस सॉल्व करना है, जिस पर्सन को हम मिलते हैं उसकी हमको मदद करनी चाहिए। अब इस एक्सट्रैक्ट को किधर से लिया गया है, लियो टॉल्स्टॉय की, उसमें से एक्सट्रैक्ट्स इज रियल, उस स्टोरीज में से एक पार्ट लिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस कि अभी काम करना है, हमारे साथ जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी मदद करना सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कर्तव्य है। थैंक यू।